तो उतना आदमी काम कर सकता है, बखलाता हुआ आदमी काम कर सकता है, नहीं चल सकने वाला चल के काम कर सकता है, जिसके पास आंख नहीं है वो काम कर सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो काम कर सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं करूं जो मेरे पास सब कुछ है। कभी सोच के देखे हो? प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। यीशु सहाय। मैंने आज विनोद विश्वास, जिसको आप जानते हैं लॉकडाउन मिनिस्ट्री में पुराने गीतों का संकलन करके आपको आनंदित करते हैं, वो विनोद विश्वास को जो कि हमारे साथ में मैसेंजर फॉर क्राइस्ट टीम में भी था और प्रभा के छोटे बहन का हस्बैंड है, उनको मैं आज बोला कि आज आके वो हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करें और वो अपना गीत प्रस्तुत एक तो करेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रियो, आज मुझे बड़ी खुशी है, आज मैं मैसेजेस फॉर क्राइस्ट के द्वारा संचालित प्रोग्राम युवा दर्पण, जो इन दिनों में डॉक्टर पी देवदास जी के द्वारा चलाया जा रहा है, शामिल हो सका। मैं डॉक्टर पी देवदास जी का दिल से आभारी हूं। प्रियो, इसी MFC टीम के द्वारा मेरी सेवकाई का आरंभ हुआ और वो समय था 1986, और मैं अपने गीतों के द्वारा प्रभु की सेवा करता था। उन्हीं दिनों में मैं भजनों और गीतों को लिखने लगा। काफी सालों तक मैं इसी टीम में रहकर प्रभु की सेवा करता रहा। उस समय हमारी टीम में भाई बार्नबास डेविड, बहन प्रभा तिमोथी, डॉक्टर पी देवदास, भाई बी कुमार, भाई विनोद तिमोथी और भाई रमेश पुसम थे। आज मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, उस समय MFC के द्वारा जो युवा दर्पण रेडियो प्रोग्राम चलता था, आज उसी प्रोग्राम को डॉक्टर पी देवदास जी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और यह हम सबके लिए बहुत ही आनंद की बात है। प्रियो, आज मैं इस टीम में नहीं हूं, पर इस टीम के साथ मैंने पूरे भारत में परमेश्वर की सेवकाई की है। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। आज मैं नागपुर में रिफॉर्म्ड प्रेसबिटेरियन चर्च का ऑर्डिन मिनिस्टर हूं और परमेश्वर के वचन और गीतों की सेवकाई देश और विदेशों में कर रहा हूं। आज जो गीत मैं गाने जा रहा हूं, उस गीत को डॉक्टर पी देवदास जी ने लिखा और उसकी धुन भी उन्होंने ही बनाई है। आज तक मैं सोचता था कि वे सिर्फ एक बहुत अच्छे उम्दे प्रचारक ही हैं, परंतु अभी कुछ दिनों में जब इस गीत को मैंने गाया तब मुझे पता चला कि वे एक बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, बहुत अच्छी धुनें बनाते हैं और काफी गीत उन्होंने लिखे हैं। मैं उनकी सेवकाई के लिए और उन तमाम टैलेंट्स के लिए जो परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा हुआ ये प्यारा संगीत। दिख रहा मेरा मसीह जो क्रूस पर लटका हुआ। क्या दिख रहा मेरा मसीह जो क्रूस पर लटका हुआ
लटका हुआ क्या दिख रहा मेरा मसीह। जो पाप को जाने नहीं उसे मार कर फोड़े वही, जो पाप को जाने नहीं उसे मार कर फोड़े वही, हाथों को ठोका काठ पर कीलों को गाड़ा पैरों पर, देखो लहू जो बह रहा देखो लहू जो बह रहा फुवार सा तेरे लिए क्या दिख रहा मेरा मसीह। जो क्रूस पर लटका हुआ क्या दिख रहा मेरा मसीह। चेहरे पे तूने तू का जो आशीष वो तुझको दिया, चेहरे पे तूने तू का जो आशीष वो तुझको दिया, वाले से जो ही भोगा तू जीवन का जल उसने दिया, कैसा है दुख कैसा ये गम कैसा है दुख कैसा ये गम सहा है वो तेरे लिए क्या दिख रहा मेरा मसीह। जो क्रूस पर लटका हुआ क्या दिख रहा मेरा मसीह। जो क्रूस पर लटका हुआ क्या दिख रहा मेरा मसीह। थैंक यू विनोद, थैंक यू सो मच। असली में राजनांदगांव में ही एक रात को अचानक मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो थोड़ा बहुत हारमोनियम जो बजाता हूँ था घर में उसको लेके मैंने पता नहीं प्रभु के सामने आंसुओं के साथ दुआ करके कुछ ऐसे ही बजा रहा था, कुछ गीत धुन निकल गया और कुछ बोल भी निकल गए जिनको है, और इसके बोल को कई लोगों ने बोला भी कुछ चीप टाइप के शब्द हैं, इनको बदलो थोड़ा करो, मैं बोला नहीं, जो प्रभु ने मुझे दिया वही रहेगा। और उसको विनोद ने जाके या अपने रेडियो प्रोग्राम में युवा दर्पण में वो गाना गाया, उसको रिकॉर्ड किए, उसके बाद फिर वो पता नहीं कैसेट कहाँ चले गया, कोई गीत नहीं मिला, तो मैंने विनोद विश्वास को बोला, तो उसने बोला लिरिक्स दीजिए ब्रदर, ट्यून मुझको याद है। तो मैंने असीम राज को लिखा और असीम राज के डायरी से मैंने प्राप्त किया, विनोद को दिया और उसने ये गीत बना के गाया। थैंक यू सो मच विनोद, गॉड ब्लेस यू। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे किसी न किसी ढंग से काम कराता है, लेकिन एक शर्त है कि हम उसके लिए अपने आप को सौंपें। मतलब अपनी हमारी एबिलिटी नहीं चाहिए, उसको हमारी अवेलेबिलिटी चाहिए, हमारी उपस्थिति चाहिए, हमारी हाजिरी चाहिए, हमारी योग्यता नहीं चाहिए। परमेश्वर के कार्यों के लिए वो अपने छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करता है। और मैं आपको बताते जाऊंगा, देखिए बहुत मत आज मैं आपके सामने विशेषकर कौवे को लेके बात करना चाह रहा हूँ। रेवन जिसको बोलते हैं, कौवा जिसको क्रो भी बोलते हैं, क्रो से थोड़ा बड़ा रेवन जो है थोड़ा बड़ा होता है ऐसा पढ़ा था मैंने, क्योंकि
ऑर्थिनोलॉजी करके जो पक्षी विज्ञान है उसके कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ा जिसमें किया, पूरा मैं नहीं जानता, मेरे को उतना मालूम भी नहीं, नॉलेज भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो जानता हूँ कि ये क्रोस है, ये रेवन जो है थोड़ा बड़ा होता है और जो भी है, लेकिन काक है, कौवा है और काँव काँव बोलता है। आजकल तो हमारे इधर राजनांदगांव तरफ कौवे दिख ही नहीं रहे हैं, दिल्ली में काफ़ी कौवे मेरे को दिखते हैं लेकिन वहाँ पर तो कौवे दिखते भी नहीं है। मालूम है आपको, ये कौवे जो है ये बड़े डेंजरस हैं। मेरी नानी मेरे को बोलती थी हम लोग को चुटपन में, सवेरे आके कहीं कौवा दीवार पे बैठ के घर के सामने काँव काँव करे ना, बोले भगाओ उसको, भगाओ भगाओ, बोले क्या हो गया, बोले ये काँव काँव करता है ना तो ऐसे पहुने आ जाते हैं जो बहुत दिन टिक जाते हैं, इसलिए इसको भगाओ, ऐसा बोलते हैं। कौवे को एक चोर भी बोलते हैं ना, मतलब चोर पक्षी भी बोलते हैं। इधर का साबुन लेके उधर डाल देगा, इसके चम्मच लेके उधर डाल देगा, ये बाई के घर का वो बाई घर में डाले, उसका बच्चा इसका बच्चा, तो वो तू करके फिर आदमी आके लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, ये कौवे के कारण सब। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखिए मेरी शादी हुई थी उसके बाद स्कूटर वगैरह तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, साइकिल था और वहाँ पर साइकिल भी दो जन कैसे जाना भी नहीं था, तो हम लोग चार से पैदल आ रहे थे। जब कॉलेज के बाउंड्री के पास पहुंचा मैं, तो एक लड़का लकीर लकीर वाला चड्डी पहन के बदन में साबुन लगा हुआ भाग के दरवाजे से निकल के उस तालाब तरफ, उस तरफ रानी सागर तरफ भाग रहा था। मैं उसको देखा, रोकू, मैं बोला नहीं मुश्किल है भैया, अभी कहीं पकड़ा गया है कि पकड़ मेरे को ही पकड़ो कर ले, नहीं नहीं शादी हुई बीबी के सामने बेइज्जती होगी। मैं चुपचाप रहा, हो गया। शाम को हम लोग दोनों, मैं आरती, फिर इवनिंग वॉक के लिए निकले थे और जब हम निकले आ रहे थे तो ये लड़का बस घड़ी में कपड़े उपड़े पहन के, घड़ी किए हुए कपड़े, सच्चे अस्त्री वाले कपड़े पहन के निकल रहा था। उसको मैंने बोला भैया सुन 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 सुन, क्या हो गया सवेरे, तू ही था क्या भाग रहा था? अरे हंसने लगा सर साथ साथ। बोले क्या हो गया? अरे मैं टंकी जाए ना सर, वहाँ पर टंकी के ऊपर घड़ी रख के नहा रहा था, कौवा आके घड़ी लेके चल दिया और उसके पीछे मैं दौड़ा, मिला तेरे को? कहाँ मिलेगा सर, कहाँ उड़ गया, क्या हो गया पता नहीं। ये है कौवा। और ये कौवा जो है दिखने में भी ठीक नहीं है, गाने में भी मेरे जैसा है, आवाज़ भी ठीक नहीं है, और इसको परमेश्वर ने इसको भी बनाया, हमको भी बनाया, उसको भी बनाया, बल्कि इसको पाँचवें दिन में बनाया और बना के वह आसमान में उड़ाया, सब कुछ इसको दिया, सब फैसिलिटी इसको दिया, उड़ता है। और देखिए मेरा कहने का मतलब, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 22 से लेके आप 31 तक पढ़ लेना, और जिनको नहीं मालूम वो नए नियम में आपको लूका रचित सुसमाचार मिलेगा और उसमें निकालिए 12वां अध्याय निकालना और उसमें 22 से लेके 31 तक आप पढ़ना। ऊपर परमेश्वर पर भरोसा रखो करके हेडिंग भी कुछ नए बाइबल्स में दिया हुआ है। तो ये एक चीज़ जिसमें बताया गया है कि 24वें वचन में कहता है, कौओं पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, तब भी परमेश्वर उन्हें पालता है। कौओं को देखो, कुछ नहीं है इनके पास में, मैंने बताया ना कोई योग्यता भी नहीं है, इनके पास कोई रूप रंग भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम के नहीं है और कोई भी चीज़ नहीं है इनके पास, बिल्कुल ये मतलब निहत्ते बोलिए, बिल्कुल निटल्ले बोलिए, जैसे भी बोलिए ये है। और ये जो है इसको परमेश्वर ध्यान देता है, कौओं पर ध्यान दो, ना बोते हैं ना काटते हैं ना भंडार है ना खत्ता है ना, तो भी परमेश्वर उनको पालता है। जब परमेश्वर इनको पालता है तो मेरा सवाल ये है मुझसे और तुमसे और आपसे कि हमको क्यों नहीं पालेगा? हमको भी तो पालता है, हमको कैसे नहीं पालता? अभी तक पाला है, अभी तक संभाला है, इस उम्र तक संभाला है, हर तरह की फैसिलिटी दिया है, योग्यता नहीं है तो भी वो चाह के उस चीज पर खड़ा करके दिया है। हम लोग सोच के देखिए आप कैसे परमेश्वर हमको सहायता करता है और कैसे हमें पालता है। और देखना, मतलब ये हुआ कि ये परमेश्वर एक नाचीज को चीज बना देता है, शायद पिछले बार भी मैंने आपको बताया, जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें सब कुछ भर सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको सब कुछ देता है, जो कुछ नहीं कर सकता उससे सब कुछ करा सकता है, ये साबित हो जाता है। जैसे देखिए, मतलब पहले बताना चाहता हूँ कि गॉड कैन यूज रेवन, गॉड कैन यूज क्रो, परमेश्वर जो है कौवों को इस्तेमाल कर सकता है, मोर है, कबूतर है, उकाब है, रोस्टर जिसको मुर्गा बोलते हैं, मुर्गा है, फिश है, डोंकी है, ये सब चीजों को इस्तेमाल किया, मछली के पेट से सिक्का निकला टैक्स पटाया, मुर्गा रोस्टर जिसको बोलते हैं, मुर्गा जो है
तीन बार बांका, पतरस के होश उड़ गया, समझ में आ गया, अपने आप में आपे में आ गया, हर चीज को इस्तेमाल किया है। उकाब को मैंने आपको बताया था, कबूतर भी एक पवित्र आत्मा का निशान है, मोर भी मस्ती में जब नाचता है तो बिल्कुल मग्न हो जाता है। ये सब मतलब ये सब तैयार है, कौन तैयार नहीं, सब तैयार है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कौवा तू मेरा, कव्य का मेरे का प्रयोग है। गधे को तो इस्तेमाल किया उसने यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए, पाम संडे के दिन गधे को किया, वहां पर घोड़ा बुला सकता था, हाथी बुला सकता था, अरे शेर को बोलता शेर आ जाता। दानियल के चरणों के पास पड़े थे ऐसी भूखे शेर जो हैं उसको बिना छुए, क्योंकि परमेश्वर का आदेश का पालन करते हैं वो, और उनको इस्तेमाल कर सकता था, किसी को भी कर सकता था, लेकिन गधे को लिया। अभी एक बार कोटा से मैं कोटा गया था, वहाँ प्रचार किया तीन चार दिन, वहाँ से मेरे को जयपुर आना था, जयपुर में हमारे टीम वाले पूरे वहाँ पर थे, उनसे मिलना था, उस दिन से मीटिंग शुरू था। मैं पहुँचा और बस में आया, बहुत गर्मी थी, रेगिस्तान है, गर्म एकदम, एयर कंडीशन वगैरह तो था नहीं, मामूली बस था, हालत ख़राब थी। इधर देखो उधर गधे दिखते थे और कुछ नहीं दिखता था, मैदान था, रेत था और गधे दिखते थे। यहाँ आया मैं, बैठ नहा धोके स्टेज पे बैठा, बर्णबास को बोलना था, प्रभा ने गाना गाया और वहाँ पर शायद वो क्या सुनील जयपुरी भी गाना गाया एक, और उसके बाद जो है वह मेरे बगल में चौधरी जी बैठे थे, आनंद चौधरी जी, वो बोले मेरे प्रोफेसर साहब बोलते हैं, प्रोफेसर साहब आप कुछ बोलो। मैं बोला सर मैं बहुत थका हूँ। अरे कुछ दो मिनट बोल दो यार। मैं बोला ठीक, खड़ा हुआ। मैंने बोला मेरे को लेट मी नो कि यहाँ पर कितने गधे हैं, हाथ उठाओ। कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाया। मैंने अपना हाथ उठाया, मैं बोला मैं गधा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस पर बैठता है ना वो गधा है और गधे पर यीशु मसीह बैठता है। सब लोग हाथ उठा दिए। अब तो एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि तुमने यीशु मसीह बैठा है तो मतलब गधे की इज्जत बढ़ गई है, गधे को इस्तेमाल किया। अब देखिए मतलब गॉड कैन यूज एनीथिंग और एवरीथिंग, सब कुछ कर सकता है ये, क्योंकि उसने एलिया के लिए कौवे को चुना, और चुन के एलिया जब आहाब के डर से, इजबेल मारने वाली थी उसके डर से ये भागा, इसको छिपना पड़ा और जाके नाले में छिपा, नाले में छुपा, वहाँ पर उस पानी जो है ब्रूक उसका पानी पीने लगा, और पानी पीते था, खाना कहाँ से मिलेगा, कौवे, एक कौवा नहीं बहुत से कौवे जाके खाना ले जाके देते थे और खाना खाता था बढ़िया दो टाइम। देखिए इसमें एक चीज़ और, एक देखिए एक्स्ट्रा टाइम का खाना नहीं मिलता था जैसा मन्ना टाइप, इसको दोपहर का खाना दिए खा ले खत्म, रात का खाना ला के देंगे खा ले खत्म, ऐसा नहीं कि एक ही दिन खिलाए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि मतलब नियर अबाउट 2000 मील्स द क्राउज मतलब रायमन है सप्लाई टू एलाइजा, एलाई को एलिया को उसने सप्लाई किए थे, इतना खिलाए, मस्त खाता था, पानी पीता था, रहता था। और वहाँ से जैसे फिर क्या हुआ, ब्रूक नाले का पानी जो है सूख गया, तो वहाँ से फिर सारपत की विधवा के पास जाता है, फिर उधर से निकलता है। जो भी ये कौवे जा रहे हैं, जब कौवे लेके जा रहे हैं, साथ के कौवे बोलते होंगे कि तुमको मिला अकेले, अपना मांस रोटी मस्त दबा रहे हो और भाग रहे हो, कहीं छुप के खाओगे, हम लोग को नहीं दे रहे। तो ये झुंड क्या बोलता था, जो लेके जा रही टीम बोलती कुछ नहीं कर सकते थे, मुंह तो बंद है, मुंह में है, उड़ते जाते थे चुपके, लौट के आते थे ना तो फिर साथी लोग पूछेंगे क्या हुआ भैया, क्यों तुम अकेले अकेले खा लिए, तो बोले चुप, क्यों, परमेश्वर का आदेश था, एक तो मौका मिला और ये रोटी टुकड़ा ले जाके उसके दास को हम दिए, हम धन्य हो गए, परमेश्वर ने हम पर दया की, हमें परमेश्वर की से उकाई करने का अवसर मिला है। मतलब खुदा जो है एक कौवे को यूज़ कर सकता है, एक काग को यूज़ कर सकता है जिसमें कोई गुण नहीं है, वो मुझको भी यूज़ कर सकता है, मुझ कौवे को भी यूज़ कर सकता है, तुमको भी प्रभु कर सकता है, जबकि तुम अपने आप को समर्पित करो तो तुमको भी वो यूज़ कर सकता है। मैं आपको बताऊं, जैसे देखें मैंने अंधों को प्रचार करते, पतरस करके एक थे ना बेतलपुर के, शायद हमारे चर्च में प्रचार कर रहे थे और रेफरेंस बता रहे थे, एक लड़का निकाल के रेफरेंस पढ़ रहा था, तो उसको बोलते गलत पढ़ रहा, ठीक से पढ़, अंधा आदमी आंख वाले को बता रहा है कि तू गलत पढ़ रहा थी। एक्चुअली मैं देखा हूँ, मतलब फिजिकली वहाँ पर मैं था और मैंने देखा उस चीज़ को, दंग रह गया। मोहन सिंह करके एक टाटा से एक अंधे आए थे पीछे, एक हफ्ता मीटिंग हमारे यहाँ चला है, वो क्या नॉलेज था उसको, मेरा अनुभव उसके साथ कही है, मैं कभी लगे तो बताऊँ। देखिए अंधों को इस्तेमाल किया, उसने स्टेमरिंग मतलब तोतलाने वाले को इस्तेमाल किया। आपको ये एक चीज़ मालूम होना चाहिए, डॉक्टर रॉस करके थे हमारे एरिया डायरेक्टर जो वेस्लियन मेथोडिस्ट मिशन के, वो बताते हैं छुटपन से वो तोतलाते थे, उनकी माँ खूब दुआ की और वो आज मतलब
बाइबल कॉलेज में प्रोफेसर थे, फिर कुछ समय के लिए मिनिस्ट्री में आए, अभी भी शायद वो कहीं विजिटिंग प्रोफेसर होके करते हैं अजूजा पैसिफिक यूनिवर्सिटी में, वो ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ाते थे। कौन था? एक तोतला आदमी, अब तोतलापन खत्म हो गया। भक्त सिंह तोतलाते थे बोलते, मैंने उनका मैसेज सुना, वो भी तोतलाते। उनको जब परमेश्वर ने बोला जा तू सेवा कर, तो वो बोलते हैं कि मेरे से तू मेरा पैसा ले ले, मेरे से तू कुछ भी ले ले, मेरा घर ले ले, मेरा चैन ले ले, बोलने भर मत बोल, मैं तोतलाता हूँ। तो बोले नहीं, तेरे से बोलवाऊंगा मैं। और उसने बोला क्या बोलते हैं, पूरा बाइबल याद है उस आदमी को, भक्त सिंह को देखे। और देखिए अपने पुराने नियम में हम देखें, मूसा के बारे में देखें, मूसा के बारे में निर्गमन की पुस्तक निकाल के पढ़ के देखें, मूसा बोलता है मैं तोतलाता हूँ नहीं जा सकता, तो उसके भाई को उसके साथ में दिया कि मैं तेरे को दे रहा हूँ, तेरा ओरेटर दे रहा हूँ, तो लेके जा अपने साथ, प्रवक्ता को लेके जा, तो उनसे बातें होगा, उसने बात कराया। मतलब ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझसे सब कुछ करा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल एक तो कहीं से सुन रहा था, सैम जोन्स करके एक आदमी, एक प्रचारक है जो कि बहुत तहलका मचाया था उधर वेस्टर्न तरफ, पूरा उधर अमेरिका में वगैरह में बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड में भी वो बहुत प्रचार किया, सैम जोन्स करके। इसका कैसे शुरू हुआ, ये एक प्रचारकों के मीटिंग में गया था, वहाँ पर कोई पादरी, कोई जो लीडर जो था, एल्डर जो था या जो बोल रहा था, वो ये बोला कि पुलपिट इज द थ्रोन, मतलब पुलपिट जो है एक सिंहासन है, एंड प्रीचर इज द किंग, और प्रचारक जो है राजा है। बस उसको याद कर लिया, और घोड़े पे बैठ के जाते थे ना उस समय वेस्ली वगैरह, तो घोड़े पे बैठ के जा रहा था और चिल्लाते चिल्लाते जा रहा था कि थ्रोन 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 पुलपिट है, और प्रचारक जो है राजा है, और मैं महाराजा बन के अब इतवार को पुलपीट पे थ्रोन पे जाऊंगा, और करके गर्जना शुरू किया। वो गर्जना उसका बंद नहीं हुआ जब तक कि एक बहुत बड़ा रिवाइवल नहीं आ गया। कभी उसका भी कहीं मिले तो अब पढ़ के देखना। डीएल मूडी जो है ये काबलर था, एक मोची आदमी, इसको परमेश्वर ने पकड़ा, तो कौवे को जब किया तो डीएल मूडी को क्यों नहीं कर सकता है, इसको एक प्रचारक करके खड़ा किया, और एक तहलका मचा दिया ना। इसका तो कई इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सेमिनरीज हैं, कॉलेजेस हैं, सब कुछ हैं, चर्चेस हैं, तहलका मचा दिया डीएल मूडी ने। वो दुआ करता था मेरे को स्पर्जन बना दे करके, स्पर्जन का फैन था। और मूडी जो है, एक बार उनका मैं पढ़ रहा था सोर्ड ऑफ द लॉर्ड मैगजीन में, मैं पढ़ रहा था कि मूडी को एक प्रोफेसर इंग्लिश वाला आके बोला कि मोडी यू आर ए वंडरफुल स्पीकर नो डाउट, बट यूर इंग्लिश इज वेरी, यूर ग्रामर इज वेरी वीक, तुम बहुत अच्छा बोलता है, तुम बहुत अच्छा प्रचार करता है, लेकिन तेरा ग्रामर जो है, तेरा व्याकरण जिसको बोलते हैं, ग्रामर जो है बहुत कमजोर है। तो मूडी ने कहा थैंक यू, और ये बोला कि तेरे अच्छे ग्रामर के साथ तूने कितनी आत्माओं को बचाया मेरे को बता। चुप कैसे हो गया? मतलब ये हुआ कि परमेश्वर सबको यूज़ कर सकता है। मैं आपको और मैं कितने पैरेबल्स एग्जांपल्स मेरे को याद आते रहते, मैं आपको बता सकता हूँ। एक ईस्टर की कहानी मैं पढ़ रहा था, उसमें जो है ईस्टर एग्स होते हैं ना, वो सारे संडे स्कूल के बच्चों को दिए, और उसमें एक बच्चा था जो कि डिसेबल, जिसको मंगोलियन चाइल्ड टाइप का बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे रहते हैं, वैसे बच्चे को भी एक अंडा दी। वो उसके क्लास में बैठता था, और वो जो है बहुत हल्ला भी करता था, कभी कभी चिल्लाता था। टीचर उसके पेरेंट्स को बोले कि ये जो है अभी बहुत डिस्टर्ब करता है, तो बोले हम मना करते हैं, तो रोता है, बोलता है तुम्हारे क्लास में आके बैठूंगा। वो टीचर भी बोले ठीक है थैंक यू, बैठने दो, और उसको भी दिए एग। और जब ईस्टर के दिन सब बच्चे लोग एग लेके आए, खोले, एक एक किसी में लिखा था, लिखा कि मतलब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया, किसी ने लिखा कि उसके मतलब प्रभु यीशु मसीह एक गुलाब के फूल के सुगंध के समान है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ, कोई खुशबू, कोई चीज करके बड़े बड़े डायलॉग्स वगैरह अच्छे अच्छे चीज़ें लिख के रख के ले खोल खोल के पढ़ती रही। एक खोला, उसमें कुछ भी नहीं था। टीचर ने बोला जरूर ये जो है जिम, शायद वो लड़के का नाम जिमी था, तो जिम का होगा, जिमी का होगा। तो उसने बोला जिमी इज दिस यूवर्स, तो बोलता हाँ। तो बोली ये खाली कैसे है, तो उसने इंग्लिश में ही बोला, मैं आपको बताता हूँ हिंदी में, उसने बोला कब्र खाली है, ग्रेव इज एम्प्टी। सबसे अच्छा मैसेज कौन दिया? हिला दिया लड़के ने ना, कब्र खाली है। मतलब देखिए, तोतला आदमी काम कर सकता है, बकलाता हुआ आदमी काम कर सकता है, नहीं चल सकने वाला चल के काम कर सकता है, जिसके पास आंख नहीं है वो काम कर सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो काम कर सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं करूं जो मेरे पास सब कुछ है। कभी सोच के देखे हो? हे कौवे, आशीष तुमको प्राप्त करना है,
तो परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा. यू हैव टू डू समथिंग समथिंग. देयर इज समथिंग विद इन यू. तेरे अंदर में कोई ना कोई एक टैलेंट है जिसको यू हैव टू सर्च योर टैलेंट. तेरे सर्च करके उस टैलेंट को लेके दुआ करने का शायद है तो दुआ करो ना. दान देने का है तो दान दो ना. पहुनाई करने का है तो पहुनाई करो ना. प्रचार करना है तो प्रचार करो ना. गीत गाना है तो गीत गाओ ना. लेख लिखना है तो लेख लिखो ना. घर विजिट करना है तो जाओ ना. पर्सनल एवेंजेलिज्म करना है तो जाओ ना. व्यक्तिगत संपर्क करो ना. कुछ तो करो ना. कलिसिया के लिए दुआ करो ना. कुछ नहीं तो कलिसिया में कुर्सियाँ पोछो ना. कलिसिया में गद्दे डालो ना. कलिसिया को साफ करो. कलिसिया की सेवा करो. लोगों के घर जाओ. बीमार हैं उनके पास. कुछ तो भी कर सकते हो. इफ यू वांट टू डू यू कैन डू समथिंग. हो सकता है. मतलब गॉड कैन यूज एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सारी चीजों को कर सकता है. क्योंकि मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ. देखिए मैं आज कुछ बता नहीं बताते जाऊँगा आपको. एक एम ए थॉमस ने एक एग्जांपल बताया था. सब याद आते रहता है. मैं नोट करके रखता भी हूँ कि हैदराबाद में एक डाकू नक्सलाइट टाइप के जो हैं वो कन्वर्ट हुआ. 6 फुटिया था. 6 फुट से ऊपर था. काला भूषण था. और वो जो है परमेश्वर का काम करने लगा. मतलब उसका हृदय परिवर्तन हुआ. और क्या हुआ? नया जीवन प्राप्त किया. उसने क्या किया? एक झोला लटकाया. ट्रैक्स, बाइबल ट्रैक्स उसमें रखता था और लेके कहीं निकल जाता था. रोज उसका रूटीन था. और जाग बोलता, ए इधर आओ पढ़ो. उसकी मूछें और लंबा चौड़ा आदमी देख के कोई भी नहीं नहीं बोलता था. ले लेता था, पढ़ता था. नहीं भी पढ़े तो भी लेके चले जाता था. बच्चे लोग कुछ देखे कि ये तो बड़ा भूषण है और कुछ भी काम का नहीं है. ये तो कुछ नहीं कर सकता. तो उस पर पत्थर मारने लगे. पत्थर मार के, ए पगला, ए डाकू, ए भूषण, ये काले, ऐसा दुनिया भर का सब जितने भी बोल सकते थे बोल के बच्चे लोग, जवान बच्चे टाइप के लोग उसको छेड़ने लगे. एक दिन उसको आया गुस्सा. था ही ओरिजिनल वही. उसने बैग नीचे रखा, घुटने टेका. एक्चुअली मैं ना बोलती वही बता रहा हूँ जो कि थॉमस ने, एम ए थॉमस ने बताया. घुटना टेक के परमेश्वर से दुआ करता, खुदा 5 मिनट का कैजुअल लीव मेरे को दे दे, निपटा दूंगा लाइन से, फिर उसके बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा. तो जवाब क्या मिला तेरे को? बोला, अपना थैली उठा और चल. वो तेरा काम नहीं है, छूट गया. परमेश्वर तुमसे तुम्हारे पूरे दिल को, हृदय को, तुम्हारे स्वभाव को, सब कुछ बदल सकता है. क्या बोलता है? तुम्हें नया हृदय दूंगा, नया सोच दूंगा. विचार बदल जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है, थिंकिंग बदल जाता है, सारी चीजें बदल जाती है, नेचर बदल जाता है, आपस में व्यवहार बदल जाता है. मतलब एनीबडी कैन इजीली डिटेक्ट दैट यू हैव चेंज यू चेंज लाइफ. चेंज दिखाई देगा. चेहरे में एक चमक तुमको दिखाई देगा. एक शान नहीं खाए हो तो भी एकदम खाए. मैं जिसके कारण कन्वर्ट हुआ, कभी मौका मिले मैं बताऊंगा आपको. उसको खाना नहीं है तो भी उसके चेहरे में रौनक था और उतनी स्पीड से बोलता था, उतने कभी लगता नहीं था कि वो भूखा है आदमी. याद रखना, गॉड कैन यूज एनीथिंग. कौवे को भी वो इस्तेमाल कर सकता है. उसके बाद मैं बताऊं, का खुदा जो है कौवे की भी सुनता है. मतलब खुदा सबकी सुनता है. अय्यूब के देखिए आप, उसकी 38 और 41 में लिखा है, जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते उड़ते रहते हैं तब आहार उनको कौन देता है? खुदा देता है. और मतलब भजन संहिता उसका 147 और 9 में उसमें क्या बोलता है? कौवे के बच्चे जो पुकारते हैं आहार देता है. कौन देता है? जो पुकारते हैं कौवे के बच्चे उनको भी आहार देता है. मतलब परमेश्वर जो है ये अशुद्ध है. जैसे लाइव व्यवस्था 11 और 15 में पढ़ के देखिए आप. लाइव व्यवस्था में उसमें अशुद्ध पक्षियों में इनका नाम है, इसका नाम है, मेंशन किया हुआ है. और वैसे ही व्यवस्था विवरण, डिक्शनरी व्यवस्था विवरण उसका 14 के 14 में आप पढ़ के देखिए. अशुद्ध पक्षी है, अशुद्ध भय है, अपवित्र है. इसका मांस नहीं खा सकते आप. इसको नहीं है, या पवित्र जानवर. जानवरों का भी लिस्ट दिया है और पशुओं का भी दिया है, पक्षियों का भी दिया है. उसमें ये कौवे का जिक्र किया हुआ है. मतलब ये हुआ. और भी क्या है कि भजन संहिता 104 के शायद 21 में, आई एम नॉट श्योर, यू हैव टू कंफर्म इट, 21 में कहता है कि ये जवान सिंह आहार के लिए गरजते हैं. मतलब चिल्लाते हैं आसमान की तरफ देख के. जवान सिंह लोग किससे मांगते हैं? परमेश्वर से. क्यों मांगते हैं? क्योंकि वही तो सर्वदाता है, क्रिएटर है, ओनर है,
सृष्टि दाता है, सब कुछ बनाया है, सब उसी का है, उसी के अंदर में है। हमारी चिल्लाहट को परमेश्वर सुनता है, मेरे बोलने को परमेश्वर सुनता है। इतना जरूर है कि मेरी आवश्यकताओं को मेरे से पहले जानता है, मुझको मेरे से ज़्यादा वो जानता है, लेकिन मुझसे बुलवाना भी चाहता है कि पापा दे मेरे को, मेरे को ये चीज़ चाहिए। और वो भी उसकी इच्छा अनुसार, बोलो तेरी इच्छा अनुसार तू दे, लेकिन मुझको चाहिए। भैया यदि अच्छा है तू दे, नहीं है तो मत दे। ये मेंटालिटी हमारे अंदर में होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जब कौवों की पुकार को सुनता है और कौवों की बात को सुनता है तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा, हमारी दुआ को क्यों नहीं सुनेगा। जब कभी भी प्रीचिंग में जाता हूँ ना, मुझे जो अनुभव मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इतना ओपनली कभी नहीं किया मैं, लेकिन ये क्या कोई है ही नहीं ऑडियंस तो मैं बोल सकता हूँ। और आप सुनिए क्या बोलते हैं मालूम, जब जब बढ़ते पुलपिट पे नर्वसनेस होता है, लगता सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ किए, कॉन्फिडेंस क्या रहता है मालूम, मैं तो दुआ करके आया हूँ और खुदा पूरा तेरे को सुनाया था मैं क्या बोलने वाला हूँ, और तेरे को ये मैं बोला था कि जो चीज़ चाहिए उसको तो रख, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दे, जो चीज़ मेरे से छूट गया उसको तो डाल दे, एडिट कर उसमें डाल दे, लेकिन तेरी प्रशंसा होनी चाहिए, तेरी वाणी होनी चाहिए। और जब याद आता था ना, जब जवान था कि मेरी माँ घर में दुआ कर रही होगी, पोस्ट कार्ड में उस समय चलता था, टाइमिंग मालूम था, इतने टाइम से इतने टाइम तक मीटिंग, मेरा बेटा बोल रहा होगा, माँ बाप वहाँ घुटने पे होके दुआ कर रहे, कितनी शक्ति मिलेगी। फिर बाद में मुझे मालूम था मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बीवी दुआ कर रही होगी। फिर बाद में मालूम पड़ा कि मेरे हॉस्टल के बच्चे उस समय दुआ कर रहे होंगे, 8 बजे उनका दुआ का टाइम है, वो दुआ कर रहे होंगे। जब मालूम पड़ता था ना तो बूस्ट अप हो जाते थे, एकदम भयंकर आत्मा से भर जाते और दुगनी शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है परमेश्वर में। एक होवे तेरे को भी इस्तेमाल करेगा। मास्क और बोटी कैसे लेके जाता था मेरे को नहीं मालूम, कैसे दुनिया भर के पिक्चर्स में देखा हूँ मेरे को नहीं मालूम, कौवा कितना ईमानदारी से काम करता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि कौवा जो है बिना सोचे समझे जाके वहाँ देने के बाद ड्यूटी ऑफ होता था, ड्यूटी लगती थी इनकी। 2000 से ज़्यादा मील इन्होंने सप्लाई किया, कमती बात नहीं है। उसके बाद निकला तो सारपथ्य विधवा के पास आया, आगे बढ़ता गया जो भी है, लेकिन ये जो है ये इसकी मतलब अहाब और इज़बेल के डर के मारे ये भागा, छुप गया, लेकिन फिर बाद में इसके सामने भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि डर है। उसके बाद खुदा बोलता है जा, तो ओबद्या को बोलता है कि मेरे को उसके सामने ले जा, तो ओबद्या उसको बोलता है कि पहली बार तो मैं तेरे को ले गया था, तू बोल दिया पानी नहीं गिरेगा, 3.5 साल डिक्लेयर करके तू खसक दिया, मेरे को खोजने को बोलता है तू मिलता नहीं है, तू कहाँ जाता मुझको नहीं मालूम, अब मेरे को छोड़ दे मालिक, वैसे भी मैं 100 बच्चे लेके मैं बाइबल कॉलेज 2 जगह का लगा के छुप छुप के 50 का एक एक सेमिनरी लगा के मैं पढ़ा रहा हूँ, पता लग जाएगा वो इज़बेल जो है मेरा जान खा जाएगी, तू जानता है उसको, और आपको तो जानता है वो इतना दुष्ट है कि दुष्टता के रास्ते खोजता है कि मैं कैसे दुष्टता करूँ, कैसे मैं बदमाशी करूँ, कैसे मैं तंग करूँ, कैसे मैं बुरे काम करूँ, ये खोज के वो करने वाला आदमी है, मेरे को खा जाएंगे। बोले नहीं, अब तू मेरे को दिखा, चल ले चल, कभी भी आगे फिर कभी होगा मैं आपको उसको बताऊंगा, लेकिन इतना जो चीज है कि ये जवान सिंहों को भी आहार देता है, ये गौवे के बच्चों को भी आहार देता है, और जब हम जाते हैं हमको भी आहार देता है, हमको भी आहार देता रहा है, हमको भी संभालता है, हमको भी संभाला हुआ है, अभी भी आपको संभाला हुआ है। यू नो दैट यू आर सेव्ड बाय जीसस एंड यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ जीसस, उसके हाथों में तुम सुरक्षित हो, ये तुमको मालूम है। लेकिन एक बात और मैं बताऊं, ये भी जान लो कि खुदा जो है तुम्हें देखता है, ही कैन सी द रेवन, वो कौवे को देख सकता है, कौवा उसकी नजर में है, हर किसी को जानता है, कौवे को भी जानता है, हर एक के नाम को जानता है। मैं तो बोलता हूं कि मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा टेलीफोन नंबर, मेरा जो भी हो, मेरा पासवर्ड, मेरे जो भी सीक्रेट्स हैं, सारी चीजें उसको मालूम है, कोई चीज उससे छुपा नहीं है। परमेश्वर जो है अनंत ज्ञान का है, मतलब अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके नॉलेज में नहीं है, वो सारी चीजें वो जान सकता है, सारी चीजें वो जानता है, सारी चीजों का ज्ञाता है, तभी तो आज हम जीवित हैं। तो मेरे प्रियो, आज मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो
आपको गीत भी बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, कैसे मारा गया। मेरी फीलिंग्स जो हैं ऐसी थी कि उसके मतलब सिर से जो खून निकल रहा, भाला भोके, हाथ में कीले टोके, जो भी किए, मतलब वो दर्द को जब बयां करते हैं ना तो आँख में आंसू आ जाती है। ऐसा लगता है कि असहनीय दर्द को कैसे सहा होगा। फिर याद आता है ये तो यीशु मसीह है, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और इसका मेन इंटेंशन एम जो है वो उद्धार करना है, जगत के उद्धार के लिए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन आज हमको पता चलता है कि अनंत जीवन है। और विश्वास करो, क्योंकि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण जो है विश्वास है। भरोसा रखो, क्योंकि विश्वास रखने से ही तुम्हारे अंदर में भरोसा बढ़ता है। हम अपने आप को देखें, एंड मैं कई बार बोलता हूँ, अपने कलीसिया में बोलता हूँ, सब जगह बोलता हूँ, और ये कि मतलब वी शुड बी सैटिस्फाइड विद इन आवर सेल्फ। हम अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर में होना चाहिए, मतलब जो कुछ मेरे पास में है वो मेरी योग्यता के अनुसार ठीक है, कहीं उससे अधिक ही उसने दिया है। हम दूसरों को देखें, वो मेरे पास नहीं है, वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मुझे वैसा बनना है, ये करना है, ये गलत बात है। अपने चीज़ों को पहले टटोलो। मैं आपको बताऊं, एक सुंदर सी बच्ची बस में बैठी थी, कहते हैं ब्यूटीफुल लड़की, जवान सी, उसको देख रहा था। देखते देखते बस रुकी, फिर जब उतरने को की, बैसाखी ली और दोनों पैर उसके लुंज थे। उतनी खूबसूरती मेरे में क्यों नहीं है, सोचे, गलत बात, उससे ज़्यादा मेरे पास मेरे दोनों पैर हैं। बताऊँ, और एक प्रचारक कहता है, फुटबॉल मैच देखने गया था, थोड़े देर दो तीन छोड़ के एक लड़का बैठा हुआ था, बहुत सुंदर सा लड़का था, और वो गेम देख के खूब मतलब ताली वाली बजा रहा था। और उसके बाद उसको पूछा कि डू यू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है क्या? तो कुछ नहीं, ना देख रहा ना कुछ कर रहा। तो उसके पड़ोस में शायद बगल में उसके बाप बैठा था, बोले कि ही इज़ डेफ एंड डम, ना सुन सकता ना बोल सकता है। कितनी सुंदर पर्सनालिटी है, फुटबॉल प्लेयर दिखता है, लेकिन उसके पास जुबान नहीं है और कान भी नहीं है। बात देखिए, मतलब ये हुआ। और एक सुंदर सा सुंदर सी महिला मॉल में जब जा रहा था, ये प्रचारक जो लिखता है, तो काउंटर पे जब गई, गॉगल पहनी हुई थी, बोले बहुत सुंदर लेडी है, कितनी खूबसूरत औरत है, पता चला आंख से अंधी है। ये सब चीजें देख के सोच भी नहीं सकते कि मेरे आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, पैर ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं और मेरी सिस्टर बात कर रहे थे, पैर में थोड़ा तकलीफ हो रही थी, हम लोग बोले हम दुआ करें कि दूसरा पैर हमारा ठीक है। अच्छाई खोजो ना मिल जाती है यार, और बुराई करो ना तो लाखों बुराइयां दिखती हैं। वो पसंद नहीं है तो उसको नापसंद करने की बहुत सारे आधार बन जाते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई खोजो ना तो अच्छाई भी मिलती है। जो खुदा हर एक में अच्छाई दे के रखा है वो चीज़ है। तो लेट अस वी शुड गिव थैंक्स टू लॉर्ड, परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। जैसे अय्यूब जो है और उसके 12 अध्याय के 7वें वचन में लिखता है, पशुओं से पूछ वो तुझको सिखाएंगे, इसको मैंने बताया भी था, आकाश के पक्षियों से पूछ वो तुझको बताएंगे, मतलब पृथ्वी पर ध्यान दे तब तुझे शिक्षा मिलेगी, समुद्र की मछलियाँ भी तुझसे वर्णन करेंगी, और कौन इन बातों को नहीं जानता। मतलब परमेश्वर जो है बोलता है ये सारी चीज़ें जो है तुमको सिखाएंगी। मैं आपको बताऊं, हम लोग मैसेंजर्स और कैच टीम जहाँ भी जाते हैं ना, लोग गीत सुनने के लिए ज़्यादा आते हैं, हम लोग उनको गीत सुना सुना के बीच में बोल बोल के फंसा देते हैं। और जो कभी कुछ लोग उठ के भागना चाहते हैं ना, वैसे लोग को भी हमने रोका है, और वो भी बड़े बहुत बड़ा रिवाइवल आया है। मैं आपको कभी मौका लगेगा फिर बताऊँगा। और देखना कि ये एक उल्लासनगर बॉम्बे में शायद वो मीटिंग में विनोद था, और वो मीटिंग चल रही थी, ख़त्म हो रही थी, लास्ट में एक आदमी स्टेज के पास आ गया और ये किनारे बैठा था, शायद इसके इसको थपथपाया, थपथपा के उसको बोला सुनो सुनो सुनो, बोले गाओ गाना गाओ, बोले कौन सा गाना, यीशु नाम।
तो बोले यीशु नाम कौन सा क्या है? नहीं, यीशु के नाम का गाना गाओ। बोले यीशु नाम गाना वैसे तो मेरे को आता नहीं है। बोले नहीं गाओ तुम। तो बोले भैया एक काम करो, मैं यीशु के नाम का गाना तैयार करके कल आपको स्टेज पे सुनाऊंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, मान गया। अब ये रात भर परेशान था विनोद विश्वास, सोचता रहा कैसे करूँ कैसे करूँ। और फिर यीशु नाम करके उसने बनाया, सुमिरन कर मन यीशु नाम मीठा नाम। और उस गाने को आप सुनिए, मतलब वो पूरा यही बताता है, मतलब जैसे वो भजन सताब ने कहा वो टेस्ट एंड सी हाउ लॉर्ड इज गुड करके ना, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट एंड सी हाउ लॉर्ड इज गुड, मतलब चेक कर देखो वाला होना चाहिए, चेक के देखो परमेश्वर कैसा भला है। और कहता है कि उद्धार वही है, आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है। परमेश्वर जो है वो वही दान देता है, जीवन का दान देता है, मुक्ति देता है। और वो जो है यीशु नाम लो करके भजन अभी विनोद आपको सुनाएगा। और सुनाने के बाद हम दुआ के बाद आशीष के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, कर सकता है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे लंगड़े हो, चाहे वो हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े हो, जो भी हो, गरीब हो, अमीर हो, परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करेगा, कर सकता है, मैं नहीं बोलता करेगा। हम उस पर विश्वास करें और जो आयु हमें दिया है उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, ताकि स्वर्ग राज में हम उसको जवाब दे सकें। उसके सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे हम बोलेंगे खुदा मैंने वो सारी काम किए हैं जो तुम उसको करने को कहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए गीत सुने। सुमिरन कर मन यीशु नाम, सुमिरन कर मन यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, सुमिरन कर मन यीशु रण कर मन यीशु ना। जग का एक उद्धार वही है, परमेश्वर का दान वही है। जग का एक उद्धार वही है, परमेश्वर का दान वही है। अंबर नीचे मानवता में कोई भी दूजा नाम नहीं है। नाम को ले लो, नाम को ले लो, जीवन तर लो, तुमको वो ही बचाए। सुमिरन कर मन यीशु नाम, सुमिरन कर मन यीशु नाम। अपने जीवन के सब
दुख संकट से मुक्ति कर ले, नाम को ले ले, ओ, नाम को ले ले, जीवन तर ले, तुमको वो ही बचाए, सुमिरन कर मन ईशु सुमिरन कर मन ईशु ना। हमारे दयालु जीव ते परमेश्वर, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं आज की परिस्थितियों के लिए। खुदा विचे दुआ करते हैं, हम पर तेरी दया दिखा, इस COVID-19 को खुदावन तू खत्म कर, और हमारे जीते भी लोग फ्रंट लाइन में होकर काम कर रहे हैं उन पर तेरी आशीष को चाहते हैं। हमारी कलिसियाओं को खोलने के लिए खुदा, उपस्थिति लेने के लिए, तेरी हाजिरी देने के लिए, तुझे इबादत करने के लिए, सारी सुख सुविधाओं के साथ हमें तू खुदावन नया जीवन तू दे, ताकि हम आगे बढ़ सकें और सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकें। और जितने बीमार हैं उन पर तेरे दाहिने हाथ की आशीष चाहते हैं, हम सबों पर तेरी कृपा अनुग्रह उन्हें दे, जितनों ने तेरे वचन को सुना, ग्रहण करने की शक्ति दे, समझ दे, ताकि हम तेरी आत्मा में और भी आगे बढ़ सके। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। प्रियो, मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए होंगे। इस वक्त हम आशीष को लेंगे, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से आशीष को लें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।